भले ही देशभर में संशोधित नागरिकता कानून लग चुका हो, लेकिन बावजूद इसके लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुंगावली तहसील में भी CAA, NRC और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील स्थित जामा मस्जिद से शुक्रवार की दोपहर 2 बजे से भीमसेना और मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में NRC, CAA के विरोध में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली पुराना बाजार जामा मस्जिद से प्रारंभ होकर नया बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा, स्टेशन रोड से होती हुई मल्हारगढ़ चौराहे तक गई। इसके बाद शहर के SDM और तहसीलदार को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के नागरिक एक समान हैं और भाईचारे और मिलजुल कर आपस में रहते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इस एक्ट को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नगर की जनता और देश की पूरी आवाम इसका विरोध कर रही है। महामहिम से हमारा निवेदन है कि वे इस कानून को फौरन खारिज कर दें। वहीं रैली से पहले पुराना बाजार स्थित मंच से एडवोकेट फिरोज खान, जमींदार मस्जिद खान, जमींदार असद जूनियर और भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC के बारे में लोगों को जानकारी दी। संशोधित नागरिकता कानून संविधान के खिलाफ है। बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले संविधान में सभी धर्मों को लेकर साथ चलने की बात कही गई है, जबकि यह कानून हमारे आपसी भाईचारे और अखंडता को खंडित करने की कोशिश कर रहा है, यह कहना है प्रदर्शन कर रहे लोगों का। विरोध प्रदर्शन और रैली के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने हाथ में तख्तिया और देश का तिरंगा लेकर चल रहे थे, तो वहीं NRC और CAA के विरोध में नारे लगाए गए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन का भारी अमला मौके पर मौजूद रहा।